जिस विश्वास के साथ सर्वहित पार्टी ने और उनके प्रत्याशी श्रीमान सत्यवान जी ने जो मेरे समर्थन आज मुझे जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण दृढ़ता के साथ एक बात कह रहा हूँ, इनका और आपकी पार्टी का मान और सम्मान कहीं कम नहीं होने दूंगा। दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और भाई सत्यवान जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सभी जो ऑफिस वीरर हैं जो भी आपके कार्यकर्ता हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज जो आपकी पार्टी ने और प्रत्याशी ने सत्यवान जी ने जो समर्थन दिया है उस मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा के सारे अब अपने आप को योगेंद्र राणा समझ के और इस प्रचार और प्रसार में जुट जाएं और भाई तभी जाकर ये इस देश का भी भला हो सकता है और हम सब का भी भला उसी में है कि जिस उद्देश्य को लेकर अब हम इकट्ठा एक उसमें हुए हैं तो निश्चित रूप से तभी फायदा है जब इसका हम रिजल्ट दे सकें निकाल सकें। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आप सब का मैं आभारी हूँ और निश्चित रूप से आप लोगों के ही आशीर्वाद से सब असंध विधानसभा के जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव भाई साहब कह रहे भाई चल रहा है आपके आशीर्वाद से तो यहाँ तक पहुँचा और आप ही लोगों के आशीर्वाद के बिना आगे भी नहीं चल सकता, इसलिए ये आप ही की जिम्मेवारी है। मैं तो ये सारे का सारा काम सत्यवान जी के रणबीर जी के जितने आप लोग बैठे सबके कंधों पे नरेश पोपड़ा तुम्हारा पहले आई है ये भी तो BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त पंचगांवा के अंदर पोपड़ा के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा जी और साथ में पंचगांवा के सम्मानित लोग हैं जो आज योगेंद्र राणा का संपूर्ण समर्थन कर रहे हैं। योगेंद्र राणा जी से बातचीत करने से पहले मैं मास्टर जी सत्यवान से बातचीत करना चाहूंगा, आखिर जो समर्थन आज योगेंद्र राणा जी को दिया है तो इसके पीछे की खास वजह क्या है? सर नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपके जो चैनल के सभी जो फॉलोअर उनको मेरा नमस्कार। खास बात ये कहूँगा भी हमारे जो योगी भाई हैं ठीक है BJP के प्रत्याशी हैं और जैसे सभी को विदित अभी इस बार सर्वहित पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही, आखिर हम इस देश के नागरिक वोट तो हमने डालना ही है तो हम पूरी पार्टी ने सर्वहित पार्टी जो हल्का संध की पूरी कार्यकारिणी डिसाइड करके ये डिसाइड किया अभी इस बार जो वोट जाएगा वो भाई योगेंद्र राणा जी को जाएगा। मस्ट में यहाँ देख रहा था पंचगामा के सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या आपकी पार्टी की तरफ से है या पंचगामा की तरफ से ये समर्थन है? मैं एक तो बताना चाहूँगा पंचगांव के तो बल्कि थोड़े व्यक्ति थे, पूरे हल्का आसन से चाहे सालवन की बात है चाहे पाडा की बात है चाहे दादूपुर की बात है चाहे कतलाडी की बात है यहाँ से पूरे संगठन के व्यक्ति किसी गांव से दो हैं किसी से चार हैं। पंचगांव का जो सिस्टम वो पहले और आगे इसको हम बढ़ाएंगे। ये आज का जो हमारा कार्यक्रम था अभी ये जो सर्वहित पार्टी के हमारे जितने भी पदाधिकारी थे जितने कार्यकर्ता थे जो मुख्य हैं उनकी ये मीटिंग थी, उनके बीच में आज हमने भाई साहब को समर्थन दिया। समर्थन देने से पहले राणा जी से कुछ शर्तें कोई बातचीत कोई विकास की बातचीत रखी है? बिल्कुल, जब विचार होता है ऐसे गठबंधन में कोई ऐसी शर्तें नहीं होती, जब दिल से दिल मिलता है। क्योंकि पिछले 5-10 सालों से अपने इन पांचों गांव का कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ भाई जो गांव की जो बदहाली देखते हैं भाई सड़क से आना है जाना है गांव के चारों तरफ जो तालाब है वैक्य में इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ हमारे जो योगी भाई जीतेंगे मंत्री बनेंगे सारे हमारे काम होंगे। जी बिल्कुल धन्यवाद। तो योगेंद्र राणा जी से बातचीत करते हैं आज किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए आज यहाँ पोपड़ा में सर्वहित पार्टी की एक बैठक हुई उसमें पंचगामा के भी लोग थे और जिस प्रकार से आज सत्यवान भाई ने रणबीर जी ने उनके सारे पदाधिकारियों ने और पंचगामा के जो जितने भी यहाँ लोग थे सभी ने जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद करता हूँ और इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, इनके मान और सम्मान की चिंता मैं करूँगा। तो जिस तरह से वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी असंध पहुँचे आपके लिए वोटों की अपील की और कल भी ICS कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक है प्रिमल सर वो भी आपके साथ मिले, तो जिस तरह से आप
गांव गांव पहुंच रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो जनता क्या बोल रहा है? निश्चित रूप से मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जिस प्रकार से जो जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, मैं सारी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कल प्रिमल जी आए थे अपने कोचिंग सेंटर्स के, जिस प्रकार से उनका एक अभियान है बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी का, उस अभियान के समर्थन के लिए वो आए थे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया, उनका भी आभारी हूँ। और आज जिस प्रकार से सत्यवान जी ने और इनकी सारी पार्टी ने और सारे पंचगामा ने समर्थन किया है, मैं इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से इनके समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और हम मिलजुल कर ये चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से और इन सभी भाइयों के आशीर्वाद से हम ये सीट बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कुछ ना कुछ और पॉइंट्स बढ़े हैं, बढ़ोतरी हुई है, तो इसीलिए लाइन लंबी, धीरे 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 लाइन 5 तारीख तक बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। कल आपकी जो स्टेटमेंट थी कि कमल जीत तो चुका है लेकिन उसका जो साइज बढ़ाना है, उसको लेकर 5 तारीख को जो वोटिंग होगी, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो कमल जीता है वो यहाँ की जनता के आशीर्वाद से ही जीतने जा रहा है। और जिस प्रकार से जो आशीर्वाद दिन प्रतिदिन मिल रहा है, अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, आज सर्वहित पार्टी ने, भाई हमारे सत्यवान जी ने जो समर्थन दिया है, इससे भी और बड़ा कमल ऐसे ही धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अभी 5 दिन पड़े हैं जी, जी तो ये है, निश्चित रूप से इन सारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम ये सीट जीतेंगे। और यहाँ का प्रतिनिधि हरियाणा विधानसभा में यहाँ से बन के जाएगा। रणवीर राणा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सर्वहित पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे। आज वो भी गांव पोपड़ा में पहुंचे हैं योगेंद्र राणा जी के समर्थन में। जी, आप सभी के दर्शकों को मेरी नमस्ते। सर्वहित पार्टी पिछले चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें असंध विधानसभा भी थी। असंध विधानसभा में मास्टर सत्यवान जी ने चुनाव लड़ा था और 2,500 वोट पिछली बार भी उन्होंने ली थी। उस समय में जिस समय एक लहर थी विशेष पार्टी की, बीजेपी की भी और कांग्रेस का माहौल था। आज पार्टी का बड़ा है परिवार और उन्होंने किन्हीं कारणों से चुनाव में हरियाणा में क्विट करने का निर्णय लिया है। तो प्रदेश कार्यकारिणी का डिसीजन था कि असंध विधानसभा की जो कार्यकारिणी है वो मीटिंग करे और डिसाइड करे कि हमारे नज़दीकी नेता कौन है। तो यहाँ की कार्यकारिणी ने 2 मीटिंगें की, उन्हीं ने निर्णय लिया कि हमारे नज़दीक योगेंद्र राणा जी हैं जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और हम लोग इनको समर्थन देने का सुझाव देते हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी ने वहाँ से सहमति जताई है और आज सर्वहित पार्टी ने इनको समर्थन देने का यहाँ पर काम किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मायाराम जी भी हैं, जिन्हें असंध विधानसभा से जननायक जनता पार्टी की टिकट मिली थी लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें वापस कर दिया था और अब समर्थन में है योगेंद्र राणा जी के, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तो मायाराम जी, आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है योगेंद्र राणा, आप उनके समर्थन में आए? हाँ जी, ऐसा है जी, हमारी पार्टी का दोनों का गठबंधन था, 4.5 साल सरकार चली और आपस में हमारा मेल जोल भी था, तो दोनों को टिकट मिल गई, दोनों खड़े रहते द्वार जाते। आज हमारी पोजीशन बहुत बड़ी है, जीत की तरफ चल रहे हैं आज हम, अगर दोनों ही खड़े रहते तो दोनों मनमनार की तरफ चले जाते, तो इसलिए हमने सोच विचार करके अपना टिकट उठा लिए था, नाम ही उठा लिया, अपना भरिया था नाम तो वो उठा लिया था, इस करके हमने अपना सोच बूझ से अपना। तो योगेंद्र राणा जी के बारे में क्या विचार है कि किस तरह से काम कराएंगे? योगेंद्र राणा तो एक बहुत बढ़िया सूझबूझ का आदमी है, इससे पहले भी मेरी मित्रता थी, जब 4.5 साल से राज चल रहा था, बहुत बढ़िया काम करने वाला है, बीच में रहेगा हल्के के और सभी आदमियों का मिलजुल के काम करने वाला है। तो 5 तारीख के लिए जब लोग वोटिंग करने के लिए जाए तो उनसे क्या अपील करना चाहोगे? उनसे तो यही अपील है जी, 3 नंबर पे हमारा फूल का निशान है भाई योगेंद्र जी लिखे होंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबा के बड़ा फूल खिलाने का काम करें। धन्यवाद।